हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। उससे क्या होगा, लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहेगा। उसी के साथ ही वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं studycapsule15@gmail.com पे। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन पार्ट वन। डेटा इंटरप्रिटेशन ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन करने से पहले आपको बेसिक कैलकुलेशंस आपके अच्छे होने चाहिए। इसी के साथ ही आपको परसेंटेज, एवरेज, देन टेबल्स बाय हार्ट होने चाहिए, तो आप इजीली 3 to 4 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आपका कैलकुलेशन स्पीड, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है। इसके साथ ही डिफरेंट टाइप्स के डीआई आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है, प्लान करना है। डेली आपको एटलीस्ट 10 डीआई सॉल्व करने हैं, उससे क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, देखो, सबसे पहले जब एग्जाम्स में हो या फिर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको एनालिसिस करना है क्या डेटा इंटरप्रिटेशन दिया है, क्या डेटा दिया है। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं ये आपको पहले देखना है, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं, पहले 6 सिटीज़ दिए गए हैं A to F। इसके साथ ही परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन दी गई है, देन पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल, लिटरेट में मेल एंड फीमेल, इलिटरेट में मेल एंड फीमेल, ये सेपरेटली रेशियोज में दिया गया है। ठीक है, प्रपोर्शन दिया गया है दोनों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। लिटरेट पॉपुलेशन परसेंटेज में दी गई है, 70%, 64%, 60%, 65%, 80%, 50%। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर सिटी ए में 100 पीपल रहते हैं तो 70% उनमें से लिटरेट है, तो कितना इलिटरेट होंगे, 100 माइनस 70, तो 30 पीपल होंगे वो इलिटरेट होंगे। तो आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी इज 60 लैक्स, देन वॉट इज नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर इलिटरेट। देखो क्या पूछा गया है, इलिटरेट फीमेल्स पूछे गए हैं। क्या करना है, देखो यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन दी गई है 60 लैक्स इन सिटी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ऐसे, सिटी डी में फीमेल की, इलिटरेट फीमेल की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे करेंगे, टोटल कितना दिया है, 60 लैक्स। इसके साथ ही देखो डी में 65% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने होंगे, 100 माइनस 65, जो कि होता है 35%। 35% जो है इलिटरेट, और पूछा क्या गया है, इलिटरेट में फीमेल। देखो ये 4:3, टोटल इलिटरेट पीपल है 4+3 इज 7। ठीक है, लेकिन हमें पूछा गया है फीमेल, तो हम कैसे करेंगे, 3 डिवाइड बाय टोटल, जो कि होता है 7। करो सॉल्व, 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, 21 ज़ा 23 ज़ा 60, 3 into 3 is 9 lakhs। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, 9 lakhs। देखो कितना इजी है, अगर आपने अच्छे से ये देख लिया हो, आपको ये देखना है ये लिटरेट है या इलिटरेट है, लिटरेट है तो कितना परसेंट है और इलिटरेट हमें कैसे निकालना है। अगर ये कंसेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया तो आप आराम से 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी इज 6.4 लैक्स, देन वॉट इज इट्स टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन। क्या दिया है, देखो लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी इज 6.4 लैक्स। लिख लो, सिटी सी में मेल पॉपुलेशन जो कि है लिटरेट, कितना दिया है, 6.4 लैक। ठीक है, तो पहले हम सिटी सी में लिटरेट टोटल पॉपुलेशन निकाल के लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ मेल दिया है, टोटल निकाल के लेते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल पॉपुलेशन अगर हमने एक्स, यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, एक्स वाई, मैंने यहाँ पे सी एज्यूम कर लिया है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी सी, ठीक है, इंटू ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है लिटरेट 60, और हमें निकालना है मेल
तो हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 100। इनमें से मेल मेल कितने हैं देखो, यहाँ पे 8, टोटल कितना है 15, 8 डिवाइड बाय 15, और हमें यहाँ पे क्या वैल्यू दी गई है 6.4। ठीक है, करो सॉल्व, टोटल निकालना है हमें। सी इक्वल्स टू 23 जा 60, 25 जा 100, देन 3 1 जा 3 5 जा 15। सी इक्वल्स टू 6.4 इंटू 5 इज 25 इंटू 25 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, यहाँ पे आएगा 0.8। 0.8, 25 इंटू 8 इज 200, यहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा 20 लैक्स। ये क्या हो गए, टोटल पीपल जो सिटी सी में, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी इज 20 लैक्स। क्या निकालना है हमें, टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे 60% ये क्या दिया है, लिटरेट पॉपुलेशन, तो इलिटरेट पॉपुलेशन कितनी होगी, 100 माइनस 60 इज 40%, 20 लैक्स के 40% निकालो, 40%, 20 लैक्स के 10% होंगे 2 लैक्स, इंटू 4 कर दो तो हो गया 8 लैक्स, तो हमारा आंसर है 8 लैक्स। तो आपको ये अच्छे से ज़्यादा ओरली सॉल्व करना है ताकि आपका स्पीड बढ़े, एग्जाम में टाइम बचे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ इलिटरेट फीमेल ऑफ सिटी ए एंड सिटी बी इज 18 लैक्स, देन वॉट इज द सम ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड बी। क्या पूछा है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड बी। देखो फ्रेंड्स, क्या दिया गया है इसमें, सिटी ए में फीमेल पॉपुलेशन जो कि है इलिटरेट, प्लस सिटी बी में फीमेल पॉपुलेशन जो है इलिटरेट, दोनों की एडिशन दी है 18 लैक्स। ठीक है, और पूछा क्या गया है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी। अगर हमने इक्वेशन सॉल्व भी कर लिया, देखो फीमेल पॉपुलेशन जो कि है इलिटरेट, ए में 70, ए क्या है लिटरेट है, तो इलिटरेट कितने होंगे 30%, ए के 30% इलिटरेट फीमेल। तो यहाँ पे देखो, फीमेल 1 डिवाइडेड बाय टोटल इज 3 1 डिवाइडेड बाय 3, प्लस बी के फीमेल इलिटरेट, ये 64 लिटरेट है तो 36 आएगा इलिटरेट, 36%, और फीमेल पूछा गया है 1 डिवाइडेड बाय 2, इसकी एडिशन दी गई है हमें, सम दी गई है 18, और हमें क्या निकालना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड बी। लेकिन यहाँ पे देखो, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए एंड बी दोनों में से अगर एक भी वैल्यू दी गई होती तो हम ये आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है तो कैनॉट बी डिटरमाइन, तो हमें डायरेक्टली टिक करना है कैनॉट बी डिटरमाइन। देखो फ्रेंड्स, ऐसे एक या दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आते ही आते हैं, तो आपको अच्छे से देखना है और ओरली सॉल्व करके देखना है, अगर ऑप्शन में कैनॉट बी डिटरमाइन हो तो डायरेक्टली टिक करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द इलिटरेट फीमेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ आर 1.25 लैक्स एंड 1.2 लैक्स रिस्पेक्टिवली, देन वॉट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड एफ। देखो कैसे करेंगे, क्या दिया है पहले देखते हैं, सिटी ई में फीमेल पॉपुलेशन ऑफ इलिटरेट, मतलब फीमेल पॉपुलेशन जो कि इलिटरेट है वो दी गई है 1.25 लाख। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं, तो टोटल पॉपुलेशन, और पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई एंड एफ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए हम निकाल सकते हैं, ई जो कि है टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इंटू फीमेल, ई में 80% है लिटरेट पॉपुलेशन, इलिटरेट कितनी होंगी 20, 20 डिवाइड बाय 100 इंटू इलिटरेट फीमेल दी गई है, तो देखो यहाँ पे फीमेल है 5, टोटल है 8, 5 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू कितना दिया है 1.25 लैक्स। करो सॉल्व, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई कैसे निकालेंगे, 21 जा 25 जा 100, 5 5 कट, 1.25 लाख इंटू 8, 1.25 इंटू 2 कितना होता है 2.5, इंटू 4 कर लो तो आएगा हमारा आंसर 2.5 इंटू 4 इज 10, 10 लैक्स। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ई हमारी निकल के आ रही है यहाँ पे 10 लैक्स। सेम हमें क्या दिया गया है, लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी एफ कैसे निकालेंगे, देखो एफ में से मेल पॉपुलेशन जो कि है लिटरेट,
कितनी दी गई है, 1.2 लैक्स। करो सॉल्व, एफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं एफ उनमें से लिटरेट दी गई है, एफ में से लिटरेट कितनी है 50%, और उसके साथ ही मेल दिया गया है, मेल लिटरेट में से मेल, मेल कितने हैं 3, टोटल कितना है 3 + 2 = 5, 3/5। करो सॉल्व, 51 जा 52 जा इक्वल्स टू 1.2। एफ इक्वल टू 5 × 2 = 10, 1.2 × 10/3 कितना होगा, ये 12/3 = 4, 4 लैक्स। क्या पूछा गया है हमें यहाँ पे, हमें पूछा गया है रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड एफ, टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई एंड एफ 10, ई की एफ की 4, तो हमारा आंसर यहाँ पे हमें मिल रहा है 5:2, हमारा आंसर है 5:2। ऑप्शन में आपको अच्छे से देखना है, ऑप्शन नंबर 2 है 5:2। अगर आपने लिखने में गलती की एफ इज टू ई कर लिया तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको 2:5, ये आपको आंसर आ जाएगा, तो आपको अच्छे से देखना है एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इफ पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी एंड ई आर 10 लैक्स ईच, देन द नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी इज हाउ मच परसेंट मोर देन, यहाँ पे देखो, मोर देन इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। देखो पहले सिटी डी एंड सिटी ई दोनों में ईच लिखा है, दोनों में 10 10 ईच लैक्स पॉपुलेशन है, ठीक है, तो पहले हमें क्या निकालना है, सिटी डी की इलिटरेट पॉपुलेशन, मेल फीमेल कुछ नहीं दिया है, हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, डी की इलिटरेट 10 लाख इंटू, यहाँ पे है 65 जो कि है लिटरेट, तो हमारी इलिटरेट कितनी आएगी, 100 - 65 = 35%, तो कितना आएगा 10 लाख के 35% = 3.5 लाख। इसके साथ ही नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, ई की इलिटरेट पॉपुलेशन, मेल फीमेल कुछ नहीं है, डायरेक्टली निकालना है, तो 10 लाख की इलिटरेट पॉपुलेशन, यहाँ पे 80 दिया है वो लिटरेट है, 100 - 80 = 20, 20% जो कि होता है 2 लैक्स। अब करो कैसे करना है, देखो नंबर ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी डी, डी की इलिटरेट पॉपुलेशन इज हाउ मच परसेंट मोर देन, मतलब ये बड़ी है तो बड़ी पहले लिखते हैं, माइनस छोटी वाली वैल्यू जो कि है ई की इलिटरेट पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंट मोर देन द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, और डिवाइडेड बाय, मोर देन के बाद क्या आता है, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई, तो डिवाइड बाय इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई इंटू 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज में, करो 3.5 - 2/2, तो आएगा 1.5 × 2 100, 2 1 जा यहाँ पे आएगा 50, 1.5 × 50, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 75%, तो ऑप्शन नंबर 3 75%। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ ही आपको बताना है हमें कि कैसे लगा आपको ये डीआई, और आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट्स हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, बाय।